हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी AMR SSR और AA का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस एग्ज़ाम, उसमें कल मैंने करवाया था 17 सितंबर का पार्ट और आज करवाने वाला हूँ 18 सितंबर को। लगभग जो 40+ GK और फुल फॉर्म्स आए थे वो मैं करवाऊंगा इस वीडियो में, और इसमें से 30+ जरूर फिर से रिपीट होंगे क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। दो तीन एग्जाम मैं प्रीवियस देख चुका हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि कल मैंने आप लोगों को 17 सितंबर का करवाया था और वो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद वो पार्ट भी आप जाकर के जरूर देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और इसी तरीके से इंडियन नेवी क्वेश्चंस सेट करती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान 1? तो वो थे जी माधवन नायर। जी माधवन नायर उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे। कब? जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। गाइस, इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देता हूं, जैसे कि इसका जो स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन है K. सिवन। ठीक है, नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री हैं? विच स्टेट हैज द हाइएस्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेवी एस्टैब्लिश्ड? तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 को। 1612 में 5 सितंबर 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। द इंडियन नेवी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 5th of September 1612। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? राइट आंसर फ्नोम पेन। फ्नोम पेन, इसे नाम पेन के भी नाम से जाना जाता है, ये कंबोडिया की राजधानी है, यानी कि नाम पेन इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। नेक्स्ट 5 नंबर, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन भी था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम? तो यूरो होती है बेल्जियम की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? SAIL। तो इसका होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया? हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा? राइट आंसर सोलंकी रूलर्स ने बनवाया था माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर। ये आप लोग याद रखना, किसने बनवाया था? सोलंकी रूलर्स ने। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी में ये बना था। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आया था 9 नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो थे गोविंद वल्लभ पटेल। कौन थे? गोविंद वल्लभ पटेल वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और अभी वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले थे गोविंद वल्लभ पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे गोरखपुर जो है सिटी, वो वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ का जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो वो जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया।
नेक्स्ट आया था मिजो किस राज्य की भाषा है, मिजो इज द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, राइट आंसर मिजोरम, मिजोरम की भाषा है मिजो, मिजो इज द लैंग्वेज ऑफ मिजोरम, तो इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं मिजो, MIJO, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल वर्तमान में बेबी रानी मौर्य है और उस टाइम पे भी बेबी रानी मौर्य ही थी जब सवाल पूछा गया था सितंबर में, ठीक है। यहाँ के बारे में और बात करें तो यहाँ का कैपिटल है देहरादून, उसके बाद ये जो हाईकोर्ट है यहाँ का वो स्थित है नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आज से 19 साल पहले हुआ था, हुआ कब था, 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था और एक स्वतंत्र अलग राज्य बन गया था उत्तराखंड, ठीक है। तो राजधानी हो गई आपका देहरादून, उसके बाद यहाँ का हाईकोर्ट नैनीताल में, CM है अभी वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत, BJP की गवर्नमेंट है, बेबी रानी मौर्य वहां की राज्यपाल हैं और फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है यहां के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, उन्हें नियुक्त करते हैं और प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करते हैं अपॉइंट प्रेसिडेंट, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए मैक्सिमम 552 और 245 है दोनों में, ठीक है, करेंटली 545 और 245 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम जो है 552, तो इसमें से 530 सीटें होती हैं राज्यों की, 20 होती हैं केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज की और दो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अभी वर्तमान में 545 ही है करंटली, ठीक है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 245 होती हैं जिसमें से 233 अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और राज्यसभा के वेंकैया नायडू, राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के वही होते हैं उसके अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, ब्राजील की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील, ब्राजीलियन रियाल जो होती है वो ब्राजील की मुद्रा होती है, ब्राजीलियन रियाल इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीप, फॉर्म ऑफ जीप इज जोन इंप्रूवमेंट प्लान। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD, STD का होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये STD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFCI, तो ये होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 19 नंबर, बराक ओबामा ने क्या नारा दिया था, व्हाट स्लोगन इज गिवन बाई बराक ओबामा, तो उन्होंने दिया था यस वी कैन, बराक ओबामा ने यस वी कैन स्लोगन दिया था, ठीक है। 20 नंबर, ओमान की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओमान, मुस्काट, मुस्काट जो है ये ओमान की राजधानी है, ये सवाल भी पूछा गया था, यानी कि द कैपिटल ऑफ ओमान इज मुस्काट। नेक्स्ट भूटान की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, तो भूटान की मुद्रा भूटानी नगुल्टम और इंडियन रुपीज दोनों होती है, भूटानी नगुल्टम और इंडियन रुपीज दोनों होती है भूटान की मुद्रा, करेंसी होती है भूटान की। नेक्स्ट 22 नंबर, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट, तो ऑप्शंस तो पता नहीं था लेकिन ताप्ती जो है ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, व्हेन डिड द अर्जुना अवार्ड एस्टैब्लिश्ड, तो वो हुआ था 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है खेल में काफी अच्छा यानी काफी ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा होती है अल्जेरियन दिनार, अल्जेरियन दिनार बोलते हैं अल्जीरिया की मुद्रा को।
अल्जीरिया का कैपिटल भी पूछा गया था, तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स। अल्जीयर्स इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया एंड अल्जेरियन दिनार इज द करेंसी ऑफ अल्जेरिया, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो वो होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टेनियर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये होता है 5 सालों का, 5 साल का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टेनियर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट है 27, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये स्थित है कृष्णा रिवर पर, तेलंगाना में कृष्णा रिवर पर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन कृष्णा रिवर इन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो है केरला। केरला भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। केरला इज द लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 इज रिलेटेड विद हुम? तो ये संबंधित है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये इससे संबंधित है अनुच्छेद 124, यानी आर्टिकल 124 इज रिलेटेड विद एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछा गया था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। वर्मा के नाम से हम जानते हैं म्यांमार को, इसका पुराना नाम बर्मा। बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? सीपीसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हो जाता है फुल फॉर्म सीपीसीटी का। नेक्स्ट 33 नंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? द वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जागरूकता फैलाई जाती है सुनामी से बचने की। द वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of November एवरी ईयर। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर, नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना? हु वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो भारत नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना। इंडिया वन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। और जो हमारी टीम थी अभी पिछले वर्ल्ड कप में जो हुआ था इंग्लैंड में, वहां पे सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इंग्लैंड ने जीता था, याद रखिएगा। अलबरूनी भारत कब आया था? वेन डिड अलबरूनी केम टू इंडिया? तो अलबरूनी आया था 1017 ईस्वी में। 1017 में अलबरूनी भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी केम टू इंडिया इन 1070। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड दी माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी इंडियन फाइनेंशियल ने। इंडियन फाइनेंशियल डिस्कवर्ड दी माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कंफर्म कर देना, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे इस पे। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोग जानते हो तो कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? IFSC कोड जो होता है बैंक में, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। तो अब तक IFSC आप करते होंगे, अब याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। आगे बढ़ते हैं, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो अभी है वो पन्नाराई विजयन। पन्नाराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरल के मुख्यमंत्री पन्नाराई विजयन।
14 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, यूपेक। यूपेक का फुल फॉर्म पूछा गया तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो जाता है यूपेक का फुल फॉर्म। यूपेक कोड के बारे में आपने सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो उसके बाद है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, व्हेन डिड चंद्रयान 2 लॉन्च, तो ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च। चंद्रयान 2 हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च। अगर आप लोग बोलेंगे तो चंद्रयान 2 पे एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियोस मिलने वाली है, जिसमें कि पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 100 और 120 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। उसकी PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अभी के लिए यही था आपके लिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम आईडी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।